जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं हम लोग बुद्धा टेम्पल। अबे बुद्धा नहीं, वो बुद्ध टेम्पल है। तो हाय एवरीवन, दिस आसिफ रजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं एक बुद्ध टेंपल में जो कि लोखरा साइड है, और उसके बारे में ज़्यादातर लोग को नहीं पता, जो आसपास के एरिया में रहते हैं उन्हीं को पता है। तो मुझे भी नहीं पता था, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि यहाँ पर भी एक ब्लॉग बना सकते हो। तो आज हम लोग जा रहे हैं, देखते क्या होता है, और मेरे कुछ फ्रेंड लोग के साथ मैं जा रहा हूँ। सो चलो चलते और वीडियो बनाते। तो गाइस हम लोग घर से निकले थे तीन आदमी, ये तुसाल और ये मेरा भाई, और यहाँ पर एक और मेरा फ्रेंड मिल चुका है जो कि अभी घर गया है। उसी का आसपास भी यहीं आसपास घर है उसका, तो वो अपना फ़ोन और बैग लाने गया। तो अभी हम लोग जाएंगे फिलहाल यहाँ पर, देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा है। तो जब तक वो फ़ोन लेके आएगा तब तक हम लोग यहाँ पर वीडियो बना लेते हैं, और जब वो फ़ोन लेके आ जाएगा तब हम लोग जाएंगे बुद्ध टेम्पल। सो लेट्स गो। फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पर फोटो, स्लोमो ये सब ले लिया, और हम लोग इसी का वेट कर रहे थे। तो फाइनली ये मोबाइल लेके आ गया है, आईफोन 11 प्रो। और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस बुद्ध टेंपल। और कैसा दिखता है ये रात में, कैसा एरिया दिखता है ये? मतलब सब रात को मूनलाइट पड़ता है तो पूरा एरिया में, पूरा मतलब ट्री में मूनलाइट। अरे कहना क्या चाहते हो? मूनलाइट रिफ्लेक्ट होने से पूरा एरिया मतलब एक ब्राइट व्यू मिल जाता है, व्यू मिल जाता है यहाँ से, देख ही सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। और एक काव भी है यहाँ पर। तुम अकेले अकेले क्या कर रहे हो जरा बताओ कैमरा में? नहीं बताना तो कोई बात नहीं, चलो। तो गाइस यहाँ पर से किसी को रास्ता नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता किसी को कहाँ पर है ये, यहाँ पर रहता है, इसको खुद नहीं पता कि कहाँ पर है। बता दो क्यों नहीं पता, बोल तो। मंदिर पहला माउंटेन के ऊपर है, वो उसका मेन प्रॉब्लम है, पहाड़ों से पहाड़ों का बीच है, और हम लोग को इतना फोकस नहीं रहते ये, मतलब ये लोग जाता नहीं है क्योंकि वो पहाड़ों के बीच में, इसीलिए यही कहना चाह रहा है ना। एकदम। तो चलो चलते ढूंढते रास्ता, काफी ज्यादा धूप दे दिया आज। देखो कितना साफ स्विमिंग पूल है यहाँ पर, आप आकर नहा सकते हो और बिल्कुल ऑरेंज जूस जैसा फील होगा आपको। तो ये देखो कितना बड़ा स्कूल है, हम लोग भी इसी में पढ़े थे बचपन में, सपने में। हम लोग का सपना था कि ऐसा कोई स्कूल में पढ़ने का, पर क्या करें सपना तो पूरा हुआ नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और क्या। बॉय जा रहे हम लोग बुद्धा टेंपल। अबे बुद्धा नहीं, वो बुद्ध टेंपल है, होता है। तो गाइस हम लोग को टेंपल मिल चुका है, वो रहा, पर वहाँ तक कैसे जाना है उसका रास्ता नहीं पता, तो अभी चलो रास्ता ढूंढते। गाइस इस रास्ता से जाना पड़ेगा, इस अंकल ने हमें बताया। और ये हाईवे, हम लोग अभी हाईवे से लेफ्ट टर्न मार चुके हैं। तो गाइस हम लोग ने शॉपिंग कर लिया है, अब वहाँ जाके आराम से खाएंगे। तो चलो चलते, और देख सकते हो आप लोग यहाँ पर भी एक मंदिर है। बस हम लोग को यहाँ पर से मंदिर दिख रहा है, पर हम लोग को रास्ता नहीं पता चल रहा है कहाँ से जाना है, बस हम लोग यहाँ वहाँ, यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। तो किसी आदमी ने बोला कि थोड़ा आगे से राइट लेना पड़ेगा, तो चलो चलते और देखते क्या वही रास्ता है वो। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, हम लोग को फाइनली रास्ता मिल चुका है, यहाँ पर से रास्ता है, तो चलो चलते और देखते। सो गाइस फाइनली हम लोग मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच चुके हैं, देख सकते हो आप लोग ऐसा कुछ सीढ़ी है। तो अभी चलते
और देखते हैं मंदिर जाकर। गाइस देखो ऐसा कुछ मंदिर है और यहाँ पर व्यू लेने के लिए एक पॉइंट बनाया गया है। सो ऐसा कुछ देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, देख ही सकते हो आप लोग। ओनली फॉर मॉन्क्स, तो यहाँ पर मॉन्क्स लोग ही शायद जा सकते हैं और हम लोग के लिए शायद वो है। तो सो गाइस सबसे पहले शू खोल लेता हूँ, उसके बाद ऊपर जाऊँगा। तो गाइस ऐसा ये है मंदिर और अभी हम लोग और ऊपर जा रहे हैं। गाइस हम लोग ऊपर जा रहे हैं और मेन मंदिर में हम लोग बाद में एंटर करेंगे, अभी फ़िलहाल ऊपर देख लेते क्या है कैसा है और सिनेमेटिक भी बाद में लेंगे। पहले ऊपर जाके देख लेते क्या क्या है, कुछ खा लेते और उसके बाद सिनेमेटिक शॉट लेंगे। तो गाइस देखो ऐसा कुछ रास्ता है, इतना पतला सा सीढ़ी है ऊपर तक जाने के लिए। तो और पीछे आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, अभी तक दिखा दे। तो चलो चलते हैं ऊपर। तो गाइस फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं, ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देखो ये कुछ बना हुआ है। और मुझे बुद्ध टेंपल के बारे में उतना कुछ पता नहीं है, इसको पता है सब कुछ, ये बताएगा आप लोगों को। ये है कोंगबू, इसे कहते हैं लॉर्ड बुद्ध स्तूपा। लॉर्ड बुद्ध स्तूपा है, स्तूपा, इसको स्तूपा कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, इसे स्तूपा कहते हैं और इसका नाम है कोंगबू। और ये बनाया गया है नंगखम थमुंग के द्वारा, जो कि उसके छोटे भाई के लिए बनाया गया है उसके प्यार में। इसका डिटेल आप लोगों को पता चल ही गया होगा। अभी यहाँ पर एक और चीज़ है, ये क्या है, ये अशोक पिलर है, इसे भी किसी ने बनाया है अपने भाई के प्यार में। और आगे लॉर्ड बुद्ध है, आगे लॉर्ड बुद्ध है जैसा कि आप लोग देख सकते हो, वहाँ पर एक स्टेच्यू बना हुआ है थोड़ा सा ऊपर में। और यहाँ का रास्ता देखो आप लोग, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, थोड़ा भी पैर स्लिप किया तो हम लोग डायरेक्ट खाई में नीचे डायरेक्ट। तो गाइस देखो ऐसा ही रास्ता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ये रास्ता पे चलने में, पर फिर भी मैंने वहाँ पर जितना सिनेमेटिक फ़ोटो जितना कुछ लेना था सब ले लिया है। और अभी हम लोग जाएंगे नीचे, नीचे जाकर अपना पेट पूजा कर लेते, उसके बाद फिर से वीडियो बनाएंगे, उसके बाद जाएंगे एंटर करेंगे मेन मंदिर में और वहाँ पर का कुछ डिटेल आप लोग को बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो अच्छा अगर आप लोग को लग रहा है तो लाइक करो। तो हम लोग वापस से इस जगह पे आ चुके हैं, हम लोग यहाँ पर अभी कुछ खाएंगे, काफ़ी ज़्यादा शांत जगह है इसलिए हम लोग सोचे यहाँ पर आकर। जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये पूरा बैम्बू का बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर ही बैठ के खाएंगे कुछ। यस। तो चलो पहले खा के एनर्जी बढ़ा लेते हैं, उसके बाद वीडियो बनाएंगे। मैंने खा लिया है और ये लोग अभी भी खा रहे हैं। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत पीसफुल प्लेस है। और अभी हम लोग वहाँ पर जाना बाकी है अभी हम लोग को, तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा छाया में हम लोग आराम कर रहे हैं। और यहाँ पर आके कैसा लगा, कोई तो कुछ बोलो कैसा लगा यहाँ पर आके, कैसा अच्छा लगा? लगा काफ़ी शांत जगह है, शांत जगह है। और इसको तो इसका कैशबैक लेना है, इसका कैशबैक लेना है पेटीएम से, यही ट्राई कर रहा है ये चिपड़ा लड़का। और तुसाल तो खैर स्टोरी पोस्ट करने में बिजी है। और वहाँ पर हम लोग का टाइम लेप्स लिया जा रहा है, वो आप लोग देख सकते हो, दूसरे फ़ोन से मैं टाइम लेप्स ले रहा हूँ। आ रहा है वापस, इसको नहाना है क्योंकि नहा के नहीं आया मंदिर में। ठीक है दे, बाय बाय। लोग इसे अपने बैग में भराएंगे क्योंकि यहाँ पर कचरा नहीं फैलाना है। हम लोग भरा लिए, अब इसे हम वापस लेके जाएंगे और डस्टबिन में फेंक देंगे। सब इस मंदिर के अंदर एंटर करते हैं और दिखाता हूँ आप लोगों को और अंदर क्या क्या है। तो बस ये है मेन टेंपल का गेट, अभी यहाँ जाते हैं। और यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा सा स्टेच्यू बना कर रखा हुआ है, तो अभी अंदर जाके वीडियो बनाते हैं, अगर वीडियो बनाने दिया तो ज़रूर से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो बस ये है अंदर का व्यू जैसा कि आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर वीडियो करना अलाउ नहीं है, पर फिर भी मैंने गुरु जी से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके वीडियो ले लिया,
बाकी देखो आप लोगों को कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर से मुझे बताना। सो गाइस फाइनली हम लोग का सारा वीडियो बना हुआ कंप्लीट, और हम लोग को वो टेंपल में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद एंटर करने दिया। वो भी कुछ उसके बारे में बताया नहीं, टेंपल के बारे में कुछ डिटेल नहीं बताया, और बस ऐसे ऊपर से जस्ट थोड़ा सा वीडियो करने दिया जो कि आप लोगों को आगे देखने को मिला ही होगा। तो सर कैसा लगा आके? मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी वीडियो देख के अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कर दो, और प्रीवियस वीडियोस को भी चेक करो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा, ज़रूर अच्छा लगेगा। और ये जगह बहुत अच्छा है, ये प्लेस बहुत ज़्यादा शांत प्लेस है, पीसफुल प्लेस है। पर सुबह सुबह बहुत सारे लोग आते हैं मेडिटेशन करने, अगर आपको भी आना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा एड्रेस दे दिया हूँ, जाके चेक करो। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever wanna try to battle rap.